हेलो दोस्तों, वेलकम टू द गेट हंट। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम तीन इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे। पहली ये कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो 90% वेटेज कैरी करते हैं। और तीसरी ये कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गेट एग्जाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसका मेन रीजन ये है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस बाकी सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादातर टॉपिक्स क्लास 11th एंड 12th के हैं। दोस्तों, अगर आपको कैलकुलस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल 13 से 15 मार्क्स का सिलेबस पक्का मैथ्स से आता है, इसलिए अगर आप मैथ्स को छोड़कर किसी और टेक्निकल सब्जेक्ट को 3 से 4 महीने तक प्रिपेयर करते हो तब भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप गेट एग्जाम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 90% टू 100% मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आप 30 दिन तक रोज 1 घंटा भी मैथमेटिक्स में स्पेंड कर लो तो आप गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 90% से ज्यादा सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, गेट में हर सब्जेक्ट में अलग से पास नहीं होना पड़ता, इसलिए अगर आपके पास कम समय है तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ 3 से 4 टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करके भी कम समय में अच्छा गेट स्कोर ला सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 90% तक मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से कभी कभी एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, सेकंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है लीनियर एलजेब्रा, और लीनियर एलजेब्रा के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों, थर्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस, और कैलकुलस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लिमिट, जिसको हमें एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से सॉल्व करना होता है, मल्टीपल इंटीग्रल, और मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोस्तों, ये तीन टॉपिक मैकेनिकल, सिविल एंड सीएस ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस, ये तीनों टॉपिक ईसी एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंजीनियर मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एनालिटिक फंक्शंस एंड कॉची रेमन इक्वेशन। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीएस ब्रांच और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में नहीं आती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फिफ्थ चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉची यूलर इक्वेशन, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन सीएस ब्रांच की सिलेबस में नहीं है। दोस्तों, गेट का सिक्स चैप्टर है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स भी सीएस ब्रांच के सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है न्यूटन रैप्सन मेथड, ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीदकर उसमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने ये सारी बातें फॉलो कर दी तो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 90% टू 100% मार्क्स इजीली आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो पक्का शेयर करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम गेट में एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स लाने के स्मार्ट वेज पर डिस्कस करेंगे, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।